एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र के ठाणे शहर से, जहां एक महिला के ऊपर मेट्रो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहा भारी भरकम मेटल रॉड गिर गया। वहीं पिलर के स्तंभ की चपेट में आई महिला की बेहद दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान सुनीता बाबा साहेब कामले के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 37 साल के आसपास है। मृतक महिला सुनीता अपनी दोनों बेटियों के साथ थाने के लोकमान्य नगर पाड़ा इलाके में रहती थी। सुनीता के पति की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी और वे अपनी दोनों बेटियों के पालन पोषण के लिए कचरा बिनने का काम करती थी। हादसे वाली सुबह ही सुनीता ठाणे के केडबरी जंक्शन पर स्थित विवियाना मॉल के पास कचरा बिन रही थी। आपको बता दें कि इस इलाके में मेट्रो मार्ग के निर्माण के लिए खुदाई का काम चल रहा था और उसी खोदे हुए गड्ढे में मृतक महिला सुनीता कचरा बिनने के लिए उतरी थी। तभी मेट्रो पिलर की प्लेट अचानक से महिला के शरीर पर गिर गई। वही हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई सुनीता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद वर्तक नगर और राबोड़ी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल रबोड़ी पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सुनीता की दो बेटियां हैं, जिनके सिर से पिता का साया पहले ही उठ चुका था और अब मां की मौत के बाद से उनके सामने पालन पोषण के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। सुनीता के रिश्तेदारों ने अनाथ बेटियों की मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई है। एक मेट्रो च काम चालू आहे, दोन्ही साईडला बॅरिकेडिंग केलेली, याच्यामध्ये पुलांचं बांधकाम चालू आहे, त्याला त्या सुरक्षेसाठी प्लेट लावलेले आहेत। सकाळी जी कचरा वेचणारी महिला आहे, तिने ती कचरा काढण्यासाठी म्हणून आतमध्ये त्या खड्ड्याच्या आतमध्ये उतरले आणि त्याच्यात ते प्लेट तिच्या अंगावर पडली आणि त्यात तिचा मृत्यू झालेला आहे। तिला TDRF पथकाच्या मदतीने ते आम्ही तिला काढून घेतले, सिव्हिल हॉस्पिटलला पाठवलेलं आहे, अकस्मात मृत्यू दाखल करते, पुढील तपास सुरू आहे। माझी एक विनंती अशी सर्वांना, जे कचरा वेचणारे वगैरे जे बॅरिकेडिंग केलेले मेट्रोचे, त्याच्या आतमध्ये कोणी प्रवेश करू नये, जेणेकरून काम चालू असल्यामुळे अशा घटना घडून गंभीर दुखापत किंवा मृत्यू येण्याची शक्यता नाकारता येईल।